आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की हम फिर से आज बात करने वाले हैं क्योंकि आज हम उस महिला की बात करने वाले हैं जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जापानी मूल की जुंको तैबी। तो जुंको तैबी की बात करें तो कल गूगल डूडल ने इनको ट्रिब्यूट दिया था। सारी चीजों की हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त कहानी है इनकी, काफी इंस्पिरेशनल कहानी है, मोटिवेटिंग इनकी स्टोरी है। एक्चुअली क्या था कि जिस समय ये जापान में जन्मी और जब ये बड़ी हो रही थी तो जापान एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ये हर देश के साथ रहा है। तो औरतों की कुछ ऐसी छवि थी कि इनको घर में ही बैठना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए। तो जब जुंको तैबी ने ये डिसीजन लिया कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है तो सबने इनका मजाक उड़ाया। सोसाइटी तो चलिए ठीक है, वो तो मजाक उड़ाती उड़ाती है अगर इस तरीके का कुछ कल्चर होता है, लेकिन न्यूज़पेपर ने भी इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये पहली बार ऐसी चीज हुई है कि अथॉरिटीज भी इनके साथ नहीं थी लेकिन बहुत लोग इनके साथ भी थे। परिवार साथ होता है तो किसी की कोई चीज की टेंशन नहीं होती है। तो आज हम इनकी बात करेंगे दोस्तों। ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 4 फिट 9 इंच की खाली हाइट थी, बहुत ही कम हाइट, उसके बावजूद 8,500 मीटर से ज्यादा माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ये जज्बा होता है। तो आज हम इनकी कहानी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। सिडर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम जापान की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है जापान, 4 आइलैंड से मिलके बना है जापान। और जापान का इतिहास जो है, यहाँ पे बेसिकली मोनार्की ही रही है बहुत सालों से, यहाँ पे एम्परर्स ने रूल किया है। उसके बाद 1869 ने जब मैथ्यू पेरी ने बंदूक लगाई जापानियों के सर पे, अमेरिका के मैथ्यू पेरी ने, कि अपनी इकोनॉमी खोलो वरना तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तब जापान ने अपनी इकोनॉमी खोली। वहां से फिर एक जापान का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, मेजी रेस्टोरेशन। आप उस पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर स्टडी आईक्यू पे आप देख लीजिएगा। तो जापान मॉडर्नाइज हुआ, जापान की आर्मी डेवलप होने लगी, बहुत तगड़ी तरीके से डेवलप होने लगी। और उसके बाद जापान ने पूरे एशिया की बैंड बजा दी वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू से यानी कि 1889 से लेकर, जब जापान में एक नया संविधान आया 1889 से लेकर 1945 तक, ये ऐसे साल थे जब जापान का पूरे एशिया में दबदबा रहा। चीनियों की तो, इतने छोटे से आइलैंड ने चीनियों की हालत खराब कर दी। ठीक है, अब खैर इतिहास में क्या पूरा बताऊं, ठीक है एक्चुअली हम बायोग्राफी रिव्यू कर रहे हैं बट आपको पता ही है मैं एक्स्ट्रा चीजें हमेशा बताता रहता हूं। तो बहुत बुरी हालत हुई। तो यहां पे जब 1945 में जापान को हराया अमेरिका ने, यहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ नागासाकी हिरोशिमा में। एक ही बार आज तक परमाणु हमला हुआ है, वो जापान पे हुआ है, तो अमेरिका ने वो कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने प्राश्चित किया और आज तक वो प्राश्चित कर रहा है। जापान की अपनी मिलिट्री नहीं है, आपको बताना चाहता हूं, जापान के पास कोई हथियार नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, इसीलिए जापान इतना डेवलप है। एशिया की एकमात्र डेवलप्ड कंट्री है जापान। तो जापान का कुछ नहीं है, जापान सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का उसको संरक्षण प्राप्त है। अगर जापान पे एक भी हमला हुआ तो वो अमेरिका के ऊपर ही हमला माना जाएगा। 1945 में जो जितनी बुरी तरीके से अटैक हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था जापान पे, आज भी लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा है दोस्तों, 1945 के बाद से जापान में एक नया एरा शुरू होता है। ठीक है ना, 1945 के बाद से वैसे तो पूरी दुनिया में ही नया एरा शुरू हो गया था। अगर हम बात करें जुंको तैबी की, तो भैया उन्होंने नेपाल, ये दिख रहा है ना भारत के पास नेपाल, ठीक है ना, यहां पे इन्होंने चढ़ाई की। अब ऐसा था ना कि 1945 ये जो एरा था, नेपाल में नेपाल से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। आप दो तरीके से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, तो चाइना साइड से और एक नेपाल साइड से। नेपाल साइड से ज्यादा आसान होता है लेकिन आज भी परमिशन लेनी पड़ती है, और उस समय तो परमिशन मिलती ही नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। उस समय परमिशन लेनी पड़ती थी कि भैया ऐसा है कि हमको जरा अपनी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जगह दे दो। तो नेपाल ऐसे देता भी था, उसका उसकी सरकार का मन है, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, जॉर्ज शिप्टन थे और काफी लोग थे जो कोशिश करते थे, साल साल भर कोशिश करते थे कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। फाइनली 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने चढ़ाई की। अब मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं दोस्तों माउंट, इनफैक्ट 4 लेक्चर बनाए हैं। एक तो बछेंद्री पाल पे बनाया, जो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने फतेह किया। उसके बाद मैंने बनाया है एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे, और साथ ही साथ हाउ तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी कॉन्क्वेस्ट माउंट एवरेस्ट। ये 4 लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। अब यहां पे ये कहां से आ गई,
ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये गूगल डूडल है, कल ही इनको ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है ना। इनकी डेथ हो गई है दोस्तों 2016 में, इनकी डेथ हो गई थी, बीमार थी बहुत ज्यादा, कैंसर था इनको, तो कैंसर से 77 साल की थी। 76 कंट्रीज की इन्होंने, मतलब 76 कंट्रीज की पीक्स की इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है, काफी जाना माना नाम है ये, और एक ह्यूमैनिस्ट भी रही है, एक एनवायरमेंटलिस्ट भी रही है, तो गूगल ने इनको ट्रिब्यूट दिया, ठीक है। तो कल ये गूगल डूडल, आपको पता ही है कि हर दिन गूगल डूडल किसी ना किसी को ट्रिब्यूट देते ही रहता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, क्योंकि आप देखिए कितने, एक तो ये जो एनिमेशन है बड़ा क्यूट है, बहुत ही क्यूट लग रही है जेंको तैबी, वैसे वैसे असली में भी बहुत ज्यादा क्यूट थी, बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी, तो बड़ी क्यूट लग रही है। साथ ही साथ यहां पे आपको दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज सबसे बड़ी बात है। 7 कॉन्टिनेंट्स के आपको एशिया, अमेरिका, सब जगह के जो भी 7 कॉन्टिनेंट्स है, अभी हालांकि हम उन 7 पीक्स का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि भैया जुंको तैबी ने पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ाई की, साथ ही साथ हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको 7 समिट्स बोला जाता है, 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 पीक्स, उसको भी फतह करने वाली है, पहली महिला बनी, और इन्होंने अपनी एक किताब भी निकाली है, तो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये ऐसी थी नहीं, जुंको तैबी का जन्म 1939 में हुआ था मिहारू फुकुशिमा में, इनके पिताजी एक प्रिंटर थे, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स रखते हैं, प्रिंट करते थे उसको, ठीक है ना, तो प्रिंटर थे, बहुत अमीर परिवार तो था नहीं इनका। मिहारू जो टाउन है वो गांव ही है, वैसे तो आपको बता दूं कि जापान में 75% जो एरिया है वो माउंटेनियस है, जापान पूरा माउंटेनियस है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, वॉल्केनो भी है भैया वहां पे, आपको पता ही है, ज्वालामुखी भी है, माउंट फुकुशिमा ही एक तरीके से वॉल्केनो है, ठीक है। तो माउंट फुकुशिमा जापान में बहुत ऊंची चोटी है, और यही के पास में ही इनका जन्म हुआ मिहारू में। 7 बच्चे थे इनके पिताजी के, 5वीं थी जुंको तैबी, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसा है कि शुरू में ये बहुत बीमार रहती थी, कभी निमोनिया हो गया, कभी बुखार हो रहा है, कभी कोई और बीमारी हो रही है, तो बहुत ही कमजोर थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना कमजोर बच्चा, जब लोग कहते थे ये तो जिंदा ही नहीं बच पाएगी, ये जिंदा ही नहीं बच पाएगी, इतना बीमार रहती है, उसके बावजूद उसने एवरेस्ट की चढ़ाई की, काबिले तारीफ है। अब दोस्तों जिंदगी जीना जापान में इतना आसान नहीं था, ठीक है, जापान की जो इकोनॉमी है उस समय उबर रही थी। अब देखिए इनका जन्म भी 1939 में हुआ, जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई, कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो जापान की इकोनॉमी उस समय उबर रही थी, अमीर लोग नहीं थे उस समय, हालांकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद की जापान को उबरने में 1945, और देखते ही देखते जापान बहुत ही तेजी से डेवलप किया, जापान के लोगों की भी यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि शुरू में तो बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ये ताकतवर होती गई। लेकिन ऐसा था ना दोस्तों कि पढ़ाई में तो इनको इंटरेस्ट इतना था नहीं, एडवेंचरस ज्यादा थी। जापान में बहुत सारी पीक्स थी, अब ये जहां रहती थी वो भी पहाड़ी एरिया था, तो जाती रहती थी बचपन में ही, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, तो जो बड़े बड़े पहाड़ों को देखती थी, इनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे एक क्लाइंबर बनना है। लेकिन इनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकते थे, तो पहले तो इन्होंने मिडिल स्कूल में पढ़ाई की, ठीक है ना। उसके बाद ये टोक्यो गई, जापान की कैपिटल है टोक्यो, बहुत बड़ा शहर है टोक्यो की बात करें तो भैया ये टोक्यो यूनिवर्सिटी गई, वहां पे अंडर ग्रेजुएशन करने गई है। अब यहां पे दोस्तों ऐसा था कि जब ये टोक्यो गई, एक तो ये गांव की थी, गांव का एक्सेंट, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे थे, शोवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी जो, वहां पे जो लोग पढ़ रहे थे वो गांव के नहीं थे, ठीक है ना, वो सिटीज के थे। तो ऐसा होता है कि अब आपने भी देखा होगा कि अगर कोई क्लास में इस तरीके का एक्सेंट लेके आता है तो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ता है, तो इनका भी मजाक उड़ने लगा, बुली किया जाने लगा, तो इनको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया था, ये डिप्रेशन में चली गई थी, अवसाद में चली गई थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, यहां पे ये जो वातावरण है ये मेरे अनुकूल है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिताजी ने इनको इनकरेज किया, बोला कि बेटी परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पढ़ाई से ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई से ब्रेक लो, हाइकिंग करो, क्लाइंबिंग करो, लेकिन डिप्रेशन में मत रहो, जो तुमको पसंद है वो करो। डिप्रेशन में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, डिप्रेशन बेसिकली बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, ठीक है,
लेकिन जो सबसे कॉमन चीज है वो है रिलेशनशिप्स। उस समय आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है ये बहुत मैटर करता है। तो फैमिली का यहाँ पे पूरा सपोर्ट था कि कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुमको अगर यूनिवर्सिटी छोड़नी भी है तो भी छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं। इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। यहां पे दोस्तों इनकी दोस्ती हो गई, जब इनकी दोस्ती हुई इनका डिप्रेशन छू मंतर। अब दोस्तों ऐसा था, एक एल्पाइन ग्रुप था, वो मेल ग्रुप था, ठीक है ना, वो क्या करता था, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे चढ़ता था। तो जंको तैबी, अब क्या था कि मैंने अभी आपको बताया लेक्चर के शुरू में कि जापान में ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, औरतों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। इवन जब ये स्कूल जा रही थी तब भी बहुत लोगों ने बोला कि क्यों स्कूल भेज रहे हो, जैसे हिंदुस्तान की हालत थी ना, इनफैक्ट है अभी भी, वैसे ही जापान की थी कि छोड़ो बिल्कुल नहीं, हटाओ मत पढ़ने भेजो, तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन इनके माता पिता ने सपोर्ट किया, इनको स्कूल भी भेजा, इनको यूनिवर्सिटी भी भेजा। और उस समय औरतों का परसेंटेज बहुत कम था, कोई था ही नहीं, यूनिवर्सिटी की क्लास में भी कोई दिखता ही नहीं थी औरतें, सब मेल्स थे। तो यहां पे एक तो यूनिवर्सिटी में इतनी कम औरतें, दूसरी बात ये जो ग्रुप था क्लाइंबिंग ग्रुप वो मेल्स का था। अब ये चढ़ना चाहती थी, ये क्लाइंबर बनना चाहती थी, लेकिन जिस भी ग्रुप में ये जाती थी वो इनको मना कर देता था। इनफैक्ट इनको कई बार ये सुनने को मिला था, ये जो क्लाइंबिंग है ये औरतों का काम नहीं है, औरतों का काम है खाना बनाना, जाओ खाना बनाओ। तो बहुत इनको डिस्करेज किया गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इन्होंने मिसाल कायम की। कैसे? जब इनको बिल्कुल भी जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, जो क्लाइंबिंग ग्रुप्स थे, उनसे ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, इन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया, अपना ही ग्रुप बना लिया इन्होंने। और उसके बाद हर हफ्ते जापान की पीक्स पे ये चढ़ाई करने लगी, एक्सपीरियंस इनको होने लगा। तो दोस्तों 1969 में कुछ ऐसा हुआ जो इनके लिए लाइफ चेंजिंग था। इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया, लेडीज क्लाइंबिंग ग्रुप, LCC के नाम से, ठीक है, क्योंकि भैया देखो जो मेल्स थे वो तो बिल्कुल इनको अलाउ करते ही नहीं थे, जो मर्द थे जाओ निकलो यहां से। तो इन्होंने औरतों का ये ग्रुप बना लिया, लड़कियों का ये ग्रुप बना लिया, और वो ज्यादातर हाउसवाइफ थी, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थी, सबकी सब हाउसवाइफ। ये दिखाना था सोसाइटी को कि हम भी कर सकते हैं। और 1969 में ही एक बहुत बड़े क्लाइंबर जोशिकू, वो एक क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन करने वाले थे, ठीक है। तो अब वो खोजते खोजते जापान में भी, मतलब इधर पे भी आ गए टोक्यो में भी, कि देखें यहां पे कोई एक्सपीरियंस क्लाइंबर है कि नहीं। यहां पे जंको तैबाई तब तक बहुत जापान की बहुत बड़ी बड़ी पीक्स पे वो क्लाइंब कर चुकी थी, तो काफी एक्सपीरियंस थी। तो जंको तैबी को ले आए। अब जंको तैबी ने पहली बार सोचा कि अब ऐसा है कि हम जापान से बाहर जाके पीक्स पे चढ़ेंगे, पता है करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को। तो वहां से इनका ये जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। अब हम देखते हैं कि इन्होंने 1970 में, यहां पे दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि ये अन्नपूर्णा, नेपाल आ गई, अन्नपूर्णा में इन्होंने चढ़ाई की, ठीक है। इससे पहले ये स्विस एल्प पे चढ़ गई, ठीक है। तो यहां पे जब इन्होंने बड़ी बड़ी पीक्स, जापान से बाहर जाके इन्होंने बड़ी बड़ी चोटियों पर जाके चढ़ाई की, तब इनको इनको कॉन्फिडेंस बढ़ा और तब इनको लगा कि अब हमको एवरेस्ट चढ़ना चाहिए। तो इनका जो ग्रुप था उन्होंने नेपाली गवर्नमेंट से, नेपाल की जो सरकार है उनसे ये आग्रह किया कि हमको परमिट दे। नेपाल की सरकार ने मना कर दिया, 1970 में मना कर दिया, 1971 में मना कर दिया, फाइनली 1972 में जाके ये डटी रही कि जब तक परमिट नहीं मिलेगा मैं अप्लाई करती रहूंगी। फाइनली 1972 में नेपाली सरकार ने इनको बोला कि ठीक है 1975 में आ जाना, सरखाना बंद करो मेरा, 1975 में तुम लोग क्लाइंब कर सकते हो माउंट एवरेस्ट, हम तुमको परमिट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश। अब इससे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी सबको, ठीक है ना, जो लोग जाने वाले थे, इसमें ज्यादातर औरतें थी दोस्तों, ठीक है, 15 लोगों का ग्रुप था, 13 औरतें थी, सब औरतें, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों पहले तो ट्रेनिंग, लेकिन उससे पहले पैसे, पैसे कहां से आएंगे? अरे देखिए क्या होता है कि ये जो क्लाइंबिंग्स होती हैं, ये जो एक्सपेडिशंस होते हैं, इसको स्पॉन्सर किया जाता है, बिना पैसे के आप कहां चढ़ पाएंगे इतना, ठीक है ना, बहुत खर्चा होता है, 1,00,000 से ज्यादा तो आपको दूसरे देश में जाने में ही लग जाएगा, ठीक है ना, वीजा का और बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे पैसे चाहिए, कहां से पैसे लाएंगे? बहुत कोशिश की, लेकिन जहां पे भी ये जाती वो नकार देते, औरत देखते ही नकार देते कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारे पैसे डूबेंगे, हम तुम पे पैसे ही नहीं लगाने वाले। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो जापान का एक न्यूज़पेपर है यामीरु शिम्बुन, उन्होंने फंडिंग दी, उन्होंने इनकी बात को सुना, माना चलो हम तुमको फंड कर रहे हैं। फिर एक निपॉन टेलीविजन, ये दो जगह से फंडिंग आई, लेकिन ये भी पैसे काफी नहीं थे।
तब क्या हुआ कि इन्होंने इनके जो मेंबर्स थे, इनके टीम के जो मेंबर्स थे, एलसीसी के जो मेंबर्स थे, उनसे बोला कि तुमने जो भी सेविंग्स की हैं वो भी तुम कंट्रीब्यूट करो, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो सबने अपनी सेविंग्स लगाई, ठीक है ना, तो पैसे दिए, उसके बाद ये जो क्लाइंबिंग है ये शुरू हुई नेपाल में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो असली दिक्कतें और होनी है। पैसे का बहुत ज्यादा इशू था, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने जो चीजें यूज की, इन्होंने नई नई खरीदी, ठीक है, जो भी इनको चीजें चाहिए थी वो उन्होंने खुद बना ली या फिर रीयूज्ड चीजें ली, जैसे रिसाइकल कार सीट्स का इन्होंने यूज किया, ग्लव्स जो ऑलरेडी यूज्ड थे वो इन्होंने लिए, वाटर पाउच होता है ना खुद बनाए इन्होंने, खरीदे नहीं, वो भी पैसा बचाना है ना, खुद बनाए। चाइना से फेदर्स खरीदे थे उन्होंने, उससे इन्होंने स्लीपिंग बैग्स बनाए, खरीदे नहीं, खुद बनाया पैसे बचाने के लिए, क्या बात है, वाह। तो डेफिनेटली जब इतना जबरदस्त डिटर्मिनेशन है, इनको सफल होना ही था। 1975 आ गया, अब 1975 आ तो गया, लेकिन भैया एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान तो है नहीं। एवरेस्ट पे सबसे बेहतरीन टाइम तब होता है चढ़ने का जब मई अप्रैल का सीजन हो, मार्च अप्रैल में, ये सबसे अच्छा टाइम होता है मॉनसून के आने से पहले, क्योंकि दोस्तों ये गर्मी रहती है, ठीक है, जाड़ों में तो आप, सर्दियों में तो आप चढ़ ही नहीं सकते, नामुमकिन है, इतनी बर्फ हो जाती है, बहुत -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इम्पॉसिबल है सर्दियों में चढ़ना। मॉनसून में भी आप नहीं चढ़ सकते, बहुत दिक्कत, बर्फ फिसलने का डर रहता है, एवलैंच का डर रहता है, बहुत दिक्कत। मॉनसून से पहले ही आपको जर्नी खत्म करनी है, ठीक है। तो बेस्ट सीजन होता है मार्च अप्रैल मई, ज्यादातर इनफैक्ट सारी एक्सपेडिशन जो है ना वो मई में ही हुई है, ठीक है, तो ये चीज है। अब हम देखते हैं दोस्तों, जंको तैबई जाती हैं काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहां पे 1953 में ऑलरेडी मई में ही एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने इतिहास रच दिया गया था। जंको तैबई से पहले कोई महिला नहीं गई थी अभी तक माउंट एवरेस्ट पे, और 37 एक्सपेडिशन हो गए थे, मतलब 37 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। कम है ये आंकड़ा, अभी आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन कम था उस समय में। तो दोस्तों इन्होंने कैंपिंग तो शुरू कर दी, मार्च में इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। अब ये आसान नहीं था, क्यों आसान नहीं था, क्योंकि एक तो बहुत ही देख दाख के चलना था, जो इनके पास सामान था उसी को ही सहेज के चलना था, पैसा था नहीं तो भैया जो इनके पास सामान था वही मैनेज करना था। दूसरी चीज दोस्तों ये हुई, ये बेस कैंप्स बनाते गए। बेस कैंप्स क्या, वैसे भी कहीं पे भी अगर चढ़ाई करते हैं हम, या कोई बड़ी पीक्स पे अगर हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम कैंप्स लगाते जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, कैंपिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने कुंभू आइस फॉल्स में कैंप लगाया, ठीक है, पहला कैंप वहां पे, पहला बेस कैंप वहां पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया। फिर आगे दो और कैंप लगाए, ठीक है, लेकिन दोस्तों इनके सपनों पे पानी फिरते फिरते बच गया। सब लोग अपने टेंट में सो रहे थे, ठीक है, सब लोग अपने टेंट में सो रहे थे, एकदम से ये रात में उठती हैं, बहुत तेज आवाज हुई और जैसे ही इन्होंने आंखें खोली, ऊपर बर्फ ही बर्फ, नीचे धस गई थी बर्फ, लगभग ये मर ही गई थी, ठीक है ना, इन्होंने अपने होश खो दिया। अच्छा, तब तक इनकी शादी हो गई थी, इनके हस्बैंड ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनके हस्बैंड, आपको बता दूं कि जब 1965 में इनकी शादी हुई तो इनके हस्बैंड ने बोला कि मैं बच्चों का, मतलब अपनी बेटी का ख्याल रख दूंगा, परेशान ना हो, मैं बेटी का ख्याल रखूंगा, मैं घर पे खाना बनाऊंगा, सब मैं करूंगा, मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा, लेकिन तुमको जो करना है करो, बहुत सपोर्ट किया। उस समय सोसाइटी में, जापान में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन परिवार का सपोर्ट था तो जंको तैबई ने अपने सपने पूरे किए। तो दोस्तों इनकी एक बेटी भी थी, एक छोटी बेटी भी थी, तो जब ये 1975 में चढ़ाई कर रही थी, वो बेटी थी 3 साल की, उसका नाम था नोरिको। तो जैसे ही ये बेहोश हुई, इनको एक विजन आया कि इनकी 3 साल की बेटी जो है वो बाहर खेल रही है, ठीक है, होता है ऐसा, बहुत दिक्कत, मरने की कगार पे, लेकिन तुरंत ही 5 मिनट बाद शेरपा ने इनको बाहर निकाल लिया, खोदा, जितनी भी बर्फ थी उसको हटाई और तुरंत इनको बाहर निकाल लिया गया, मरते मरते बच गई। यहां पे जंको तैबई का यह मानना था कि मेरा यह कमिटमेंट है कि जितने लोग ऊपर जाएं उतने ही लोग वापस आए, मतलब जितने लोग ऊपर उतने ही लोग नीचे, कैजुअलिटीज ना हो। 1970 में दोस्तों जापान की तरफ से चढ़ाई की कोशिश की गई थी माउंट एवरेस्ट पे, तो वो मेल क्लाइंबर्स थे, उसमें एक भी औरत नहीं थी, सब मर्द थे, ठीक है, सारे आदमी लोग गए थे, लेकिन जितने लोग ऊपर गए थे उतने लोग नीचे नहीं आए थे, बहुत लोग
की मौत हो गई थी वहां पे, ठीक है ना। तो ये जुंको तैबई का सबसे बड़ा कंसर्न था कि हम लोग ऊपर तो जाएं लेकिन वापस भी उतने ही लोग आए, कैजुअलिटी ना हो, और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो दोस्तों बहुत दिक्कत। फिर एक समय ऐसा आ गया जब इनके पास सप्लाई बहुत कम थी, ऑक्सीजन कम, खाना कम, तो अब ऊपर एक ही जा सकता था। तो पूरी टीम ने बोला कि देखो जुंको, तुमने अभी तक हमको मोटिवेट किया है, तुम हमको यहां पे लेके आई हो, बेस्ट है कि तुम जाओगी, हम सब यहीं पे तुम्हारा वेट करेंगे, बेस कैंप पे तुम्हारा वेट करेंगे, अब आगे का रास्ता 6.5 घंटे का रास्ता वो तुमको तय करना है अपने शेरपा के साथ। शेरपा एक जरूरी होता है, बिना शेरपा के आप नहीं चढ़ सकते माउंट एवरेस्ट पे, शेरपा गाइड होता है एक तरीके से। तो 16 मई 1975 दोपहर 12:30 बजे के करीब फाइनली जुंको तैबी और एंग सेरिंग, जो इनके शेरपा थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, इतिहास रच गया, पहली महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, सबकी बोलती बंद कर दी। और जैसे ही ये खबर फैली, जापान की सरकार, नेपाल की सरकार इनके ऊपर फूल बरसाने लगी, मीडिया अटेंशन इनको मिलने लगा, रातों रात स्टार बन गई थी ये। लेकिन ये जो जर्नी थी आपने देखा, इतनी आसान नहीं थी। यही होता है, एक बार अगर सक्सेस मिल गई, कमाल। उसके बाद दोस्तों इनका जो सपना था वो ये था कि दुनिया भर की, देखिए एशिया में जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, लेकिन दुनिया में जो हाईएस्ट पॉइंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट पॉइंट है, फतेह करना है। इसे बता देता हूं, ठीक है। देखिए एशिया में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, वो आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो डेनाली, जिसको माउंट मैकिनले भी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है एकोग्नुआ, ठीक है ना, ACONNCAGUA, ठीक है ना, ये है साउथ अमेरिका में। उसके बाद अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वो है किलीमंजारो। यूरोप की बात करें तो वो है माउंट एल्ब्रस। मेरी राइटिंग क्या बात है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कॉकलस को, ठीक है, समझ में आ गया, एंटार्क्टिका की माउंट विंसन में सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज है, ये 7 समिट्स इन्होंने फतेह की। एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी रही है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी रही है, डायरेक्टर भी रही है हिमालयन एडवेंचर ट्रस्ट ऑफ जापान, और जो माउंट एवरेस्ट पे जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उसको भी हमेशा ये एड्रेस करती रही है। इनकी जो शादी है, शादी हुई थी वो मासानोबू तैबी से हुई थी, जो कि जो खुद भी एक क्लाइंबर थे, तो इसीलिए परेशानी जो थी अपनी बीवी की बहुत अच्छे से समझते थे कि क्लाइंबर को क्या क्या परेशानी होती है। एक बेटी है नोरिको और एक बेटा है शिनिया, ठीक है। 2012 में इनको कैंसर डायग्नोस हुआ था, 77 साल की थी, अपनी पूरी जिंदगी जी ली, 77 साल में 76 कंट्रीज की बड़ी बड़ी पीक्स को इन्होंने फतेह किया था, कमाल का करियर रहा। और 20 अक्टूबर 2016 में इनका देहांत हुआ, और कल ही गूगल ने डूडल इनको बनाया, मतलब इनके लिए बनाया और ट्रिब्यूट दिया इनको, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 7 पीक्स मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां पे भी लिखी हुई है। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।